मुंबई की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट जिया सोंस आज झांसी पहुंची। झांसी पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र से जुड़ी युवतियों को मेकअप आर्ट से जुड़ी बारीकियों को सिखाया। बुंदेलखंड के झांसी पहुंची मशहूर मुंबई की मेकअप आर्टिस्ट जिया। उन्होंने बताया वे 17 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और वे लगातार लोगों को मेकअप के बारे में जानकारी देती चली आ रही हैं। मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि उन्होंने अब तक 193 शहरों में इस तरीके के आयोजन करके युवती महिलाओं को शिक्षित किया है और वे पहली ऐसी महिला मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अभी तक 17 हिंदुस्तान के बाहर शहरों में इस तरह के कैंप का आयोजन कर अपनी मेकअप की कला से लोगों को लुहा मनवा चुकी हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहर झांसी पहुंचकर उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने कहा कि यहां पर इस क्षेत्र के लोगों को बहुत कम ज्ञान है जिसके बारे में उनको झांसी आकर मालूम चला। वे चाहती हैं कि इस आर्ट के बारे में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दी जा सके। आने वाले समय में उनका ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। इस समय चल रहे मेकअप के ट्रेंड के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा मेकअप समर मेकअप चल रहा है जिसको करने में हमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। जिसको मेकअप किया जाता है उसको भी काफ़ी सहूलियत रहती है। बुंदेलखंड में मौसम का प्रभाव हमेशा बना रहता है। इस पर उन्होंने कहा यहाँ के लोगों को अपने चेहरे की स्किन का विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हवा में धूल के कण मिले हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि या पुरुष या महिला सभी को अपने चेहरे को दिन में कम से कम 4 बार तो धोना ही चाहिए और सोते समय अपने चेहरे को क्लीन करके सोना चाहिए जिससे मौसम से पड़ने वाली स्किन की बीमारियाँ यहाँ के लोगों को बचना आसान हो जाए। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे करण कुशवाहा और प्रवीण कुशवाहा। झांसी की बेटी शिवानी वादी ने कार्यक्रम में मुख्य तौर पर झांसी की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। झांसी में इच्छित से जुड़ी युवतियों के सवालों को भी मशहूर ब्यूटिशियन जिया सौंस के सामने रखा जिस पर जिया ने झांसी की बेटी शिवानी अब्दी की काफी सराहना की। आप झांसी आई हैं, झांसी चूंकि बुंदेलखंड छड़ा इलाका है, क्या ट्रेनिंग आपने दी, क्या कार्यक्रम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम जिया सोसा है, मैं मुंबई से हूँ। आई एम अ मेकअप एडुकेटर सिंस 17 ईयर्स। मैं 17 साल से एज अ मेकअप एडुकेटर काम कर रही हूँ। अब तक हमारे 193 सिटीज कंप्लीट हो गए हैं। वी हैव क्रॉस ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड आई एम द फर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट इन अ फीमेल कैटेगरी हु हैव क्रॉस 17 वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज। और आज झांसी आई हूँ, ऑफकोर्स रानी लक्ष्मीबाई की सिटी है तो बहुत बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और यहाँ पे बहुत कुछ एजुकेशन देना चाहती हूँ और आगे भी दूंगी क्योंकि बहुत छोटा सा शहर है, लोगों की मेंटालिटी एजुकेशन बहुत कम है यहाँ पर। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे हर बार हर साल आऊँ और यहाँ पे लोगों को एडुकेट करूँ। मैम, इस समय क्या मेकअप में क्या ट्रेंड चल रहा है? अभी तो समर मेकअप ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा, वाटर प्रूफिंग ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है जिससे आपकी गर्मियों की वजह से जो गर्मियों की वजह से जो हमें मेकअप में दिक्कत आती है तो उसमें नहीं आती है। समर मेकअप ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। झांसी के बच्चों को आप क्लासेस दे रहे हैं, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? झांसी के बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगी, एडुकेट योर सेल्फ, कम आउट फ्रॉम द बॉक्स। मतलब बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ करना बाकी है बिकॉज मैंने उनको सुबह से देखा है, सिंस आई एम वॉचिंग दिस देम सिंस मॉर्निंग। बहुत कम एडुकेशन है रिगार्डिंग मेकअप, इतना अपग्रेडेशन नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अपग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो बस अपग्रेड करें अपने आप को। बहुत ही कमाल का शहर है, रानी लक्ष्मीबाई का शहर है, तो बस लेडीज थोड़ी बाहर निकले और कुछ अच्छा सीखे और अच्छा करे। मैम, यहाँ पे चूँकि बुंदेलखंड है, यहाँ पे धूल का ज़्यादा प्रभाव रहता है, हर मौसम यहाँ पे जो भी पड़ता हैवी पड़ता है, क्या मतलब अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगी आप, क्योंकि स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को? यस, मैं स्किन में बहुत ज़्यादा आई एम इन टू स्किन मोर, आई एम स्किन एस्थेटिक। तो डस्टिंग के लिए एक चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेस को वॉश करना है, फेस वॉशेस प्रॉपर करें, सनस्क्रीन लोशन ज़्यादा लगाइए बिकॉज बहुत गर्मी है, यूवी रेज आते हैं, तो फेस पर कम से कम दिन में 3 बार सनस्क्रीन लोशन लगना चाहिए। हमारा फेस कम से कम हम 3 से 4 बार फेस वॉश से वॉश करें, मॉइस्चराइज़र कंपलसरी लगाए, रात को सोते वक्त फेस को क्लियर करके सोए। सिर्फ लड़कियां नहीं, सिर्फ फीमेल नहीं, ऑल द जेंट्स एंड लेडीज़ बोथ।